प्रचारक के नाते काम करते समय बहुत साल तक मेरे मन में ऐसा विश्वास रहता था कि हमारे स्वयंसेवक है, हमेशा शाखा में आते हैं, हमारे ही वायुमंडल में रहते हैं, हमारे ही जीवन मूल्य लेकर चलते हैं, हमारे ही विचार, हमारी ही भावनाएं, हमारे ही संस्कार, इसी में ये पल रहे, ऐसा विश्वास मन में रहता था। मैं भूल जाता था कि स्वयं सेवक कोई बंद बक्से में रखा नहीं जाता, वो बाहर सभी लोगों के संपर्क में आता है, उसने संपर्क में आना चाहिए ऐसी अपेक्षा भी है। संपर्क अमृत को पिलाने तो उसने सभी लोगों के संपर्क में आना चाहिए ऐसी अपेक्षा भी है, और फिर वो अपने संस्कार लोगों को देगा, अपनी विचार भावनाएं लोगों को देगा, ऐसी भी अपेक्षा है। लेकिन बाद में ये ख्याल में आया कि यह तो होता है, वो लोगों के संपर्क में आता है, अपने विचार भावनाएं संस्कार लोगों को धीरे धीरे देता है, ये तो होता है। लेकिन लोगों के भी विचार भावनाओं का परिणाम उसके ऊपर होता है, बाहर के वायुमंडल का भी परिणाम उसके ऊपर होता है, और वो स्वाभाविक रूप से होता होगा, यह बात बाद में ध्यान में आई। 1957 की घटना है, चुनाव हो चुके थे, चुनाव होकर 3-4 महीने हुए थे। उन दिनों में भारतीय मजदूर संघ का काम कोई खास नहीं था, तो नया काम शुरू करने के लिए हर प्रदेश में जाना पड़ता था, तो मैं पंजाब में गया था। शाम के समय एक शाखा में गया, अब वो मुख्य शिष्य मुझे पहचानता था, जैसे मुझे देख लिया, मैंने प्रणाम किया, मैंने जैसे देख लिया, उसने कहा कि मैं अभी विसल बजाता हूँ, सबको बुला लेता हूँ। हमने कहा काहे के लिए, बोले मैं आपका बौद्धिक वर्ग। हमने कहा ये जरूरी है क्या कि जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा बौद्धिक वर्ग ही लूँगा, और ये यदि तुमने अपरिहार्य कर दिया तब तो स्वयं से मुझे टालने लगेंगे कि भई हमेशा उपदेश ही देता है, बौद्धिक झाड़ता है, अच्छा है कि इसके साथ मुलाकात ही न की जाए। कहने का ऐसा आवश्यक नहीं, मैं भी स्वयंसेवक हूँ, शाखा पर रहूंगा, तो अलग अलग गढ़ों में मैं घूम रहा था। प्रार्थना के पहले एक गण में जाकर बैठा, वो बड़ा गण था, बाल और किशोर, उसमें 32 स्वयंसेवक थे, और प्रार्थना के पहले 12-15 मिनट ऐसा वो गण। तो मैं जाकर बैठा तो उन्होंने प्रश्न पूछने के बजाय मैंने ही प्रश्न पूछना शुरू किया। अब बाल किशोरों का गण था, प्रश्न क्या आते, तो मैंने पूछा भाई अपने संघ का पूरा नाम क्या है, और मैंने कहा कि जिसको मेरे प्रश्न का उत्तर याद है वो जरा हाथ ऐसा ऐसा ऊपर करे। तो पहला प्रश्न किया कि संघ का अपना नाम क्या है, तो सब लोगों ने ऐसा ऐसा किया, एक दो लोगों को पूछा उन्होंने नाम बताया, फिर पूछा कि अपने संघ की स्थापना कब हुई है, 8-10 लोगों ने हाथ ऊपर किया, 2-4 लोगों ने पूछा, 2-4 लोगों को पूछा, उन्होंने ठीक उत्तर दिया। संघ की स्थापना कहाँ हुई, संघ का ध्वज क्या है, इसमें भी कुछ लोगों ने हाथ ऊपर किए, बराबर उत्तर है। अब सभी के एक ही उत्तर थे, लेकिन फिर प्रश्न पूछा कि अपने संघ के संस्थापक कौन थे, तो इसमें कई लोगों ने ऐसे ऐसे हाथ किए। तो मैंने पहले 2-3 लोगों को पूछा, तो उन्होंने बताया परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हरिद्वार। अब ये होने के बाद कुछ लोगों ने हाथ नीचे कर लिया, क्योंकि बोला था कि भाई 2-3 लोगों ने पूछा, तो बार फिर से वही उत्तर जिनके मन में, उन्होंने फिर से हाथ ऊपर करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने और हाथ ऊपर किए, तो मैंने उनके तरफ देखा, हमने एक को कहा भाई क्या तुम क्या बोलना चाहते हैं, नहीं बोले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और दूसरे को पूछा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब क्या हुआ था, ये 57 के चुनाव के बाद की बात है, और 57 के चुनाव में
जो प्रचार का प्रमुख बिंदु था वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान, कश्मीर के लिए बलिदान, अखंड भारत के लिए बलिदान, बंगाल का सुपुत्र कश्मीर में जाकर आत्म बलिदान करता है, अखंड भारत वगैरह, ये सारी बातें उसमें ज्यादा आती थी। अब स्वयं सेवकों ने भी सुन ली थी। जब दो तीन लोगों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऐसा कहा तो मैंने कहा भी अभी तो मुश्किल है, पहले जितने प्रश्न पूछे थे सबका तो एक एक उत्तर ही लोग देते थे, अब दो उत्तर आ गए, अब कैसे समझना कि इसमें से कौन सा उत्तर सही है। ऐसा ही कहा तो एक स्वयंसेवक ने उस पर भी हाथ ऊपर किया। मैंने कहा भी क्या है, बोले इसमें कठिनाई क्या है जी, वोट ले लो। तो मुझे जरा आनंद आया, मैंने कहा अच्छा भाई वोट ले लेंगे, तो वोटिंग लिया, हाथ से वोटिंग था। उसमें से 8 लोग 32 में से चतुर थे, उन्होंने दोनों तरफ वोट नहीं दिया, तटस्थ रहे। 8 लोगों ने डॉक्टर हेडगेवार की तरफ वोट दिया और 16 लोगों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तरफ वोट दिया। और स्वाभाविक भी था, बाहर के वायुमंडल में वो चर्चा थी। इसके बाद मैंने जानबूझकर कहा अरे भाई बड़ा मुश्किल है, जब दो मत हो जाते हैं तो कौन सा सही कौन सा गलत तय करना बड़ा कठिन जाता है। तो पहला ही लड़का फिर से ऐसा ऐसा करने लगा। हमने कहा भाई क्या है, खड़ा हुआ, बोले इसमें कठिनाई क्या है, फैसला तो हो गया, एक को 8 वोट मिला है, एक को 16 वोट मिला है, जेर मेजोरिटी वो सत्य है, मेजोरिटी के अनुसार फैसला हो गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी संघ के संस्थापक है। अब ये ठीक है किशोर और बाल स्वयंसेवक कही थे, लेकिन बाहर का जो माहौल रहता है उसका असर स्वयंसेवक के मन पर कुछ न कुछ होता है, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, समझते हुए न समझते हुए। यह बात पहली बार मेरे ख्याल में उस समय आई। अब स्वाभाविक यह था कि बाहर के वायुमंडल में डॉक्टर मुखर्जी का नाम था एक, और दूसरा कि जिसके तरफ ज्यादा वोट होगा उसकी ताकत ज्यादा है, ये एक अनकॉन्शियस मन में अंतर मन में यह बात सबके थी, क्योंकि बाहर का वायुमंडल था डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर, राजनीतिक लोकतांत्रिक वायुमंडल ऐसा था कि जिसमें यह बात अंतर मन में घर करके बैठी। मैं सोचने लगा कि ये तो बाल किशोर है, शायद जो उम्र में बड़े हैं उनके भी मन पर यह असर हुआ होगा। और फिर सोचने लगा कि बाहर के राजनीतिक लोकतांत्रिक वायुमंडल में जो मान्यता है वो पद्धति की मान्यता है, उस पद्धति की, तो उसके अनुसार सत्य क्या है असत्य क्या है इसका फैसला केवल लोकतांत्रिक मतदान के आधार पर हो सकता है क्या? किसी भी विचारधारा की शक्ति कितनी है क्या इसका फैसला केवल मतदान के आधार पर हो सकता है? तो पहला उदाहरण पश्चिम का ध्यान में आया कि एक समय ऐसा था कि जब सारे पश्चिम के लोग ऐसा मानते थे कि पृथ्वी संपूर्ण विश्व का केंद्र है, पृथ्वी के पीछे सारे ग्रह चक्कर काट रहे, सूर्य भी पृथ्वी के पीछे चक्कर काट रहा है, तो पृथ्वी केंद्र, सूर्य पृथ्वी के पीछे चक्कर काट रहा है, यह यूरोप की मान्यता थी क्योंकि वह ईसाइयत की मान्यता थी। फिर कोपरनिकस इस नाम का एक व्यक्ति हुआ, उसने दूसरी बात लिखी या कही कि सूर्य यह केंद्र है, सूर्य के पीछे सब ग्रह चक्कर काटते हैं, पृथ्वी भी सूर्य के पीछे चक्कर काटती है। यह नया सिद्धांत इसका ही खोज करते करते उसको 34 साल लगे थे। वो बड़ा प्रसिद्धि परांगमुख था, वो अपना थीसिस प्रबंध या अपना अन्वेषण प्रकाशित नहीं करना चाहता था, लोगों ने जबरदस्ती से प्रकाशित करवाया, उसकी पुस्तक पूरी छप गई,
और जिस समय उसको दी गई पहली प्रति वो मृत्युशैया पर था, जिस दिन छपी हुई पहली प्रति उसके मित्रों ने उसको दी उसी दिन उसकी मृत्यु हुई। किंतु उसकी दखल किसने ली नहीं। उसके मृत्यु के बाद एकाद बार कोई केपलर ऐसे व्यक्ति ने उसका पासिंग रेफरेंस जाते जाते उसका उल्लेख किया होगा, लेकिन पहली बार दखल ली गई 80 साल के बाद, और दखल उल्टी ली गई। पोप ने, वेटिकन सिटी ने, माने ईसाइयत ने यह घोषणा की कि यह पुस्तक प्रक्षिप्त है, प्रोस्क्राइब है, किसी ने पढ़ना नहीं चाहिए। किसी ने पुस्तक का नाम सुना ही नहीं था, प्रसिद्ध नहीं थी। पहली बार उन्होंने यही पोप के द्वारा, उसने सर्कुलर के द्वारा यह सुना कि यह पुस्तक है, प्रक्षिप्त है, पढ़ना नहीं चाहिए। अब उस समय यदि डेमोक्रेटिक वोटिंग हुआ होता कि भाई कोपरनिकस के कथन के मुताबिक सूर्य पृथ्वी का केंद्र है या पृथ्वी संपूर्ण विश्व का केंद्र है, और सूर्य पृथ्वी के पीछे चक्कर काटता है या पृथ्वी सूर्य के पीछे चक्कर काटती है, तो कोपरनिकस को एक ही वोट प्राप्त होता, वह भी खुद का, और यूरोप के सारे लोगों का वोट उसके खिलाफ जाता। तो इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ वन, अकेला वही अपने पक्ष का वोट देने वाला होता, सारे यूरोप के लोगों ने उसके खिलाफ वोट दिया होता। अब आज की स्थिति क्या है, सारी दुनिया जानती है कि कोपरनिकस ने जो कहा वही शास्त्रीय सत्य है, सारे यूरोप के लोग जो मानते थे वो असत्य था, यह मान्यता आज संपूर्ण दुनिया की है। तो सिद्धांत की सत्यता, सत्यता में सिद्धांत की शक्ति है। केवल डेमोक्रेटिक वोट में बहुमत क्या कहता है, इसी में सिद्धांत की, ये इसी में सिद्धांत की शक्ति नहीं हो सकती। बहुमत कभी कभी इधर जा सकता है, कभी उधर जा सकता है। एक समय बहुमत ऐसा था जिसने सॉक्रेटिस को विषय दिया, हेमलॉक विषय दिया। आज सारे दुनिया में सॉक्रेटिस के पंथ चल रहे। एक समय था जब ईसा को सूली पर चढ़ाया बहुमत ने, आज करोड़ों लोग ईसा के अनुयायी के रूप में हैं। एक समय ऐसा था जब जोन ऑफ आर्क को फ्रेंच के बहुमत ने जिंदा जलाया। 480 साल के बाद ये स्थिति आई कि उसको फिर से एक महान सेंट पैट्रन के नाते लोगों ने मान्यता दी। बहुमत कम अधिक इधर उधर बदलते रहता है। तो सिद्धांत की शक्ति, बहुमत अल्पमत इसके ऊपर है क्या, तो ध्यान में आता है कि सिद्धांत की सत्यता में अपनी निजी शक्ति होती है। बहुमत क्या कहता है, अल्पमत क्या कहता है, ये बात नहीं है। सिद्धांत यदि सत्य है तो अकेला भी वो सत्य की घोषणा करता रहे, दुनिया आज विरोध में रहे, अंतिम विजय सत्य की ही होगी, सिद्धांत की होगी। तो सिद्धांत की सत्यता में शक्ति है, यह एक बात ध्यान में आती है। और इसके कारण फिर यह ध्यान में आता है कि केवल आज एक विशेष पद्धति चल रही है वेस्टर्न पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पाश्चिमात्य सांसदीय लोकतंत्र देश में, उसमें उस पद्धति के लिए ठीक है कि जिधर बहुसंख्या होगी वही पक्ष विजय होगा, उस पद्धति के लिए ठीक है। किंतु यह जो उसका उसकी उपयोगिता है वह केवल उस पद्धति तक सीमित है। चारों ओर उसको जनरलाइजेशन करना, सार्वत्रिक बनाना, यह ठीक नहीं है। तो सिद्धांत की सत्यता में उसकी शक्ति होती है, यह एक बात ख्याल में आती है। फिर दूसरी भी बात है, हम अपना संग्रह का काम चलाते, अपनी एक पद्धति है, उसका पूरा विवरण यहां देने की आवश्यकता नहीं, सब लोग जानते हैं। आप तो अभी तृतीय वर्ष के हैं, आपको बताने की आवश्यकता क्या है, आप ही लोगों को जाकर बताएंगे। अपनी एक विशेष पद्धति है, इस पद्धति में से हमारी शाखाएं चलती हैं। इतने दशकों का अपना अनुभव यह है कि अपनी कार्य पद्धति की भी अपनी निजी शक्ति है, अपनी कार्य पद्धति की अपनी निजी शक्ति है, और इसका अनुभव आता है।
विशेष रूप से तब अनुभव आता है जब समय समय पर विभिन्न व्यक्ति या विभिन्न संस्थाएं गलती से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ काम करती है। संघ तो सबको अपना ही समझता है, संपूर्ण हिंदू समाज यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसी हमारी कल्पना है। परिकल्पना के दृष्टि से हम मानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और संपूर्ण हिंदू समाज समल व्याप्त है, कोएक्सटेंसिव है। मनोविज्ञान के दृष्टि से हम समझते हैं कि संघ संपूर्ण हिंदू समाज के साथ एकात्म है। संघ या पंथ नहीं, संप्रदाय नहीं, समाज के अंतर्गत खड़ा किया हुआ संगठन नहीं। तो संपूर्ण हिंदू समाज को सुसंगठित अवस्था में लाना, हिंदू समाज के अंतर्गत जितने पंथ हो गए, संप्रदाय हो गए, दल हो गए, मत मतांतर हो गए, झगड़े हो गए, सभी के साथ संपूर्ण हिंदू समाज माने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण समाज को एकात्मता में लाना, एंटायर सोसाइटी एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टेट ऑफ अफेयर, संपूर्ण समाज माने सुसंगठित अवस्था, यही संघ का स्वरूप है। संघ यानी समाज के अंतर्गत खड़ा किया हुआ संगठन नहीं, तो संपूर्ण समाज की सुसंगठित अवस्था यानी संघ हम जानते हैं। तो भी यह इतना अभिनव सिद्धांत है, अभिनव संकल्पना है, बाहर के लोगों को इसको समझना कठिन हो जाता है, इसके लिए वो गलती से गलत फहमी फैलाते हैं, विरोध करते हैं। अब जब विरोध करने वाले लोग संघ को खत्म करने की प्रतिज्ञा करते हैं, उसके लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। प्रारंभ से ऐसे कुछ महानुभाव हो ही गए, कुछ ऐसी संस्थाएं हो गई, अलग अलग प्रदेशों में ऐसी संस्थाएं हुई जिन्होंने प्रतिज्ञाएं की कि हम संघ को समाप्त करेंगे। लेकिन अनुभव क्या आता है, सबसे आखिरी प्रयत्न दिल्ली में हुआ था। एक राजपुत्र ने, महारानी पुत्र ने यह प्रयोग किया था, कहा कि यह संघ, इसको मैं खत्म करूंगा। और इसके लिए पहले उन्होंने धुआंधार प्रचार संघ के खिलाफ किया, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, नवभारत टाइम्स आदि जितने समाचार पत्र है, टीवी है, सबका उपयोग करते हुए संघ को गाली देना, संघ को नीचा दिखाना। किंतु लोग उसके पास समाचार पहुंचाते थे कि आप इतना धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, संघ में जाने वाले लोगों के मन पर तो असर होता ही नहीं, वो जा ही रहे और उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ ही रही। तो अनुभव के आधार पर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा, लोगों ने भी बताया कि भाई संघ को समाप्त करना है। तो संघ की जो कार्य पद्धति है, उसी कार्य पद्धति के माध्यम से संघ को खत्म किया जा सकता है, केवल ये धुआंधार प्रचार और इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से नहीं हो सकता। तो फिर उसने निश्चय किया और घोषणा की कि मैं भी संघ विरोधी शाखा शुरू करूंगा दिल्ली में, संघ को समाप्त करने के लिए संघ विरोधी शाखा मैं शुरू करूंगा, फलाने दिन शाम को शुरू करूंगा, फलाने मैदान पर शुरू करूंगा, सभी अखबारों में आ गया। अब जब राजपुत्र या महारानी पुत्र ऐसी घोषणा करता है तो चापलूस और ऐसे जो स्वार्थी लोग हैं, बहुत भीड़ उस दिन मैदान पर होगी और ऐसे जगह फोटोग्राफर पहुंचे ही जाते हैं क्योंकि सनसनीखेज कुछ न कुछ खबर चाहिए। सब अखबारों में फोटो आए कि साहब ये जो संघ विरोधी शाखा है इसका प्रारंभ हुआ है, इसका भाषण भी आ गया कि कल से यह शाखा है, इतने बजे से चलेगी, सबने ठीक समय पर शाखा पर आना चाहिए, सारा आ गया। दूसरे दिन समाचार आया, फोटो आई और हजारों विरोध संघ विरोधी लोग उस शाखा में दिखाई दिए। दूसरे दिन ठीक समय पर उसका जो कुछ गणवेश था वो पहनकर यह महारानी पुत्र मैदान पर आए, वो ठीक समय पर आए, हाथ में उनके केन भी था। देखा वहां कोई नहीं है, सोचा 5 मिनट में कोई आ जाएंगे लोग, केन लेकर ऐसे चक्कर लगाने लगे मैदान पे। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए। जैसे जैसे समय बीतता गया महारानी पुत्र के गुस्से का पारा ऊपर चढ़ते गया और 1 घंटे के अंदर कोई नहीं आया, शाखा बंद। जिसकी फोटो सारे अखबारों में आई थी, हजारों लोग संघ विरोधी शाखा के स्वयंसेवक बन गए ऐसा आया था, शाखा बंद। तो जिस संघ का विरोध करने वाले को भी जब यह मानना पड़ता है
कि और किसी रास्ते से नहीं, तो संघ की जो शाखा पद्धति है उसी से ही केवल संघ को खत्म किया जा सकता है, ऐसा निष्कर्ष जब वो निकालते हैं तो फिर अपने ध्यान में आता है कि हमारी शाखा पद्धति में अपनी निजी शक्ति है, कार्य पद्धति में अपनी निजी शक्ति है। फिर भी आजकल वायुमंडल ऐसा है कि लोग ऐसे मौलिक बातों की ओर जाना ही नहीं चाहते, ऊपर ऊपर विचार करते हैं, सुपरफिशियल विचार करते हैं। अब मेरे जैसा स्वयंसेवक जब दौरा करते रहता है तो प्रश्न आते हैं कि आप दौरा करते रहते हैं, आप बताइए पूरे देश में अपने संघ की शक्ति क्या है। तो मैं उनके उत्तर से भाप लेता हूं कि उनका शक्ति का मापदंड केवल संख्यात्मक है, कहता हूं वही मुझे मालूम नहीं है। अपने सर कार्यवाही के रिपोर्ट में कुछ आता है, लेकिन उसके बाद भी शाखाएं बढ़ती रहती है, संख्याएं बढ़ती रहती है, कैसा हम तय करें, मैं टालता हूं। फिर और प्रश्न आता है तो मैं फिर पूछता हूं कि भाई ये बताओ, इतना बड़ा संघ है, इतने लोग हैं, इनकी कुल मिलाकर शक्ति कैसी कितनी है, इसका अंदाजा कैसे लगाना, मैं तो नहीं जानता। तो एक बैठक में पूछा तो दो चार स्वयंसेवकों ने कहा इसलिए तो बड़ा सरल इसका उत्तर है, सारे देश में संघ के स्वयंसेवक कितने पहले देख लो, उसमें से हर एक स्वयंसेवक की शक्ति कितनी है ये माप लो, और सभी स्वयंसेवकों की व्यक्तिगत शक्तियों का जोड़ यानी संघ की शक्ति। बोले इतना सरल तो काम है, आपको इसमें कठिनाई क्या लग रही है? आप समझ गए ना कि कितने स्वयंसेवक है कुल मिलाकर देश में, ये देख लो, हर एक स्वयंसेवक की शक्ति नाप लो, सभी स्वयंसेवकों की व्यक्तिगत शक्तियों का जोड़ यानी संघ की शक्ति। हमने कहा भाई हर एक स्वयंसेवक की शक्ति को नापना तो बड़ा कठिन है। बोले इसमें कठिन क्या, हम जानते हैं कि इसकी ये शक्ति उसके शक्ति। उन्होंने कहा तुम तो सरल जानते सकते हो, मेरे लिए कठिन है। बोले क्यों, क्योंकि मैं तो ऐसा अनुभव करता हूं कि कोई भी व्यक्ति हमेशा शक्ति के एक स्तर पर नहीं रहता, अलग अलग समय पर शक्ति के अलग अलग स्तर पर व्यक्ति रहता है। हमने उसको उदाहरण दिया, अंतिम हिंदू साम्राज्य के दक्षिण के सेनापति बापू गोखले के बारे में किस्सा आता है कि बड़े महापराक्रमी पुरुष थे। अब वो घर पर थे और उन्होंने अपनी दाढ़ी बनाने के लिए नाई को बुलाया था। अब दाढ़ी बनाते बनाते थोड़ा सा रेजर कहीं थोड़ा कट गया, रेजर ऐसा थोड़ा लग गया है तो उनके मुंह से सूफ शब्द निकला। ऐसा होता है ना, कटने के बाद आदमी कुछ ऐसा करता है। ये नाई ने सुना, उसको आश्चर्य हुआ। और आप जानते हैं कि आवश्यकता से अधिक बात करने वाले दो श्रेणी के लोग होते हैं, नेता और नाई। तो वो नाई ने वो सू शब्द सुना, वो कहता है आश्चर्य है। बापू ने कहा क्या हुआ? बोले बापू हम तो सुनते थे कि आप बड़े बहादुर हैं, रण मैदान में बहुत घाव लगने के बाद भी आप लड़ते रहते हैं, और मेरा उस तरह थोड़ा सा लग गया तो आप सू करने लगे। बापू ने जवाब नहीं दिया, दाढ़ी बनाने का काम पूरा हुआ, वो जाने लगा, उसको पैसे दिए किंतु बुला लिया, उसको कहा कि तुम्हारे दहिना पैर सामने रखो। वो देखता रहा, दहिना पैर सामने रखा, उसके दहिने पैर के अंगूठे पर बापू ने अपना बाएं पैर का अंगूठा रख दिया, और नजदीक कोने में भाला था शूल, वो उठा लिया और ऐसे जोर से मारा कि बापू का बाएं पैर का अंगूठा चीरकर, उस नाई का दहिने पैर का अंगूठा चीरकर जमीन के अंदर वो भाला घुस गया। वो जोर से चिल्लाने लगा कि आप मुझे क्यों सजा दे रहे, आप मुझे क्यों मार रहे। हंसकर बापू ने कहा मैंने सजा नहीं दी, मैंने मारा नहीं, तेरे सवाल का जवाब दे रहा हूं। तू पूछ रहा था कि मैदान में तो इतने हम रण मैदान में घाव बर्दाश्त करते हैं, और यहां थोड़ा सा उस तरह लग गया तो मैं सू सू करने लगा। तो ये बताने वाला था कि भाई इस समय मैं हंस रहा हूं, तू रो रहा है, इसका मतलब है
कि रण मैदान में जब मैं जाता हूं तो उस समय का स्पिरिट अलग ढंग का रहता है। अब रण मैदान में मेरे अंदर में जो स्पिरिट होगा, जो आवेश होगा, तू मेरे दाढ़ी बना रहा है उस समय भी वही स्पिरिट वही आवेश रहना चाहिए, ऐसी कैसी अपेक्षा तू करता है। दाढ़ी बनाते समय आदमी का स्पिरिट अलग रहता है, रण मैदान में स्पिरिट अलग रहता है। तेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैंने ये किया। अब ये होता है, अबे बापू गोखले जैसे बड़े व्यक्ति की बात छोड़िए, हमने हमारे परिवार में देखा, हमारा निम्न मध्यम स्तरीय परिवार है, तो आप समझ सकते हो लोअर मिडिल क्लास। लेकिन हमारे एक चचेरे भाई बड़े पराक्रमी थे, उन्होंने श्रीमान परिवार के एक लड़की के साथ प्रेम जमाया और प्रेम विवाह हुआ। अब प्रेम विवाह करते हुए लड़की हमारे घर तो आ गई, लेकिन वो इतने श्रीमान परिवार की थी कि उसको कोई भी काम करने की आदत नहीं थी, घर का काम करने की आदत नहीं, उसके यहाँ नौकर चाकर सब रहते थे। अब हमारे यहाँ तो हर काम खुद हाथ से करना पड़ता था, हमारा गरीब परिवार था, तो हम लोग देखते थे कि उसको कोई काम ठीक ढंग से जमता नहीं था। अब जैसे रोटी सेकने का काम है, उन दिनों में ये गैस और ये नहीं था, चूल्हे पर ही करना पड़ता था, तो रोटी को उलट पलट ऐसा करना, करते समय रोटी गर्म हो जाती है ना, गर्म रोटी को पलटते समय जैसे वो पलटती थी तो वैसे ऐसा हाथ करके सुसु करती थी, तो हम बच्चे लोग हंसते थे कि ये कितनी नाजुक है कि ये मामूली काम नहीं कर सकती, केवल गर्म रोटी को पलटते समय सेकते समय ये सूसा सूसा करती है, क्या काम करेगी, हम उसको हंसते थे। अब एक बार क्या हुआ, मध्य रात्रि में हम सब लोग अलग अलग अपने कमरे में सो रहे थे, हमारे मकान को अंगार लग गए। अब इसको नवजात शिशु हुआ था, 3-4 महीने का होगा, और इसका जो सोने का कमरा था वैसा था कि बाहर से हम आते थे तो पहला कमरा, फिर दूसरा कमरा, तीसरे कमरे में उसकी खटिया थी, और उसके खटिया के पास वो झोली थी जिसमें उसका वो नवजात बच्चा रखा गया था। अब मध्य रात्रि के समय सब लोग गहरी नींद में थे, बाहर से शोरगुल लोगों ने सुना, तो घर वाले उठ गए, अपने मकान को अंगार लगे तो सब घर वाले एकदम, अरे मकान को अंगार लगे, चलो बाहर आ जाओ, पहले तो जान बचनी चाहिए, इसको भी जगाया। अब वो नींद में से जग गई तो घबरा कर एकदम बाहर चली आई रास्ते पर। अब वो नींद में थी, एकदम सुना, घबरा कर बाहर आई, जैसे बाहर आई उसको स्मरण हुआ कि मेरा बच्चा वो झूले में मेरे कमरे में, तब तक मकान का जलना बढ़ गया था। उसने कोई विचार ही नहीं किया, एकदम जलते हुए मकान में घुस गई, पहला कमरा लांघकर, दूसरा कमरा लांघकर, तीसरे कमरे में जो झोली थी वहां से बच्चे को ऐसा सीने से लगाकर बाहर आने लगी, उसमें उसके साड़ी को अंगार लग गई, बाद में उसको हॉस्पिटल में भेजना पड़ा। किंतु हम बच्चे लोग जो उसकी मजाक करते थे, हम आपस में चर्चा करने लगे कि अरे इतना साहस इसके अंदर कैसे आया, जो रोटी सेकते समय सूसा कर रही थी और मकान जल रहा देख रही है और उसके अंदर ये घुस जाती है, इतनी हिम्मत जो हम लोगों की नहीं थी उस समय, इसके अंदर इतना साहस कैसे आ गया। तो शक्ति का स्तर अलग अलग समय पर अलग अलग रहता है, ऐसा अनुभव बार बार सामान्य व्यवहार में भी आता है, सामान्य व्यवहार में भी आता है। जब व्यक्ति सोचता है अरे जाने दो, शक्ति का स्तर छोटा होता है। जब व्यक्ति सोचता है कि नहीं ये हम करके रहेंगे, शक्ति का स्तर बड़ा हो जाता है। इतनी ही नहीं, शक्ति के बारे में और एक बात है, जब लोगों ने कहा कि हर एक के शक्ति का स्तर नाप लो, हमने कहा कैसे नापेंगे। मुझे स्मरण होता है दिल्ली के झंडे वाला में एक हमारे पुराने प्रचारक है, अब तो वृद्ध हो गए, उन्होंने अपने बचपन में घटी हुई घटना हमको बताई। वो लाहौर के पास उनका मकान था, वो जिस गांव में रहते थे वो एक नवाब की जागीर थी, और पुराने जमाने में राजा
नवाब, ऐसे जो प्रिंसेस, इनमें से कई लोगों को ऐसा शौक था कि कलाकारों को आश्रय देना, प्रोत्साहन देना। तो कुछ संगीत की कला को प्रोत्साहन देते थे, कुछ पेंटिंग की कला को प्रोत्साहन देते थे। ये जो नवाब साहब थे उनको शौक कुश्ती का था। तो उनका शौक ये था कि पंजाब का जो नंबर एक का पहलवान होगा वो मेरे पास रहेगा। तो उस समय का जो नंबर एक का पहलवान था उसको नवाब साहब ने अपने पास रखा और पंजाब में चारों ओर ये प्रचारित कर दिया कि मेरे पहलवान के साथ लड़ने की किसकी हिम्मत है, कोई आ जाए। 5-6 लोग आ गए, परास्त हो गए। और उस पहलवान को खुराक भी अच्छी रहती थी, बादाम है, पिस्ता है, काजू है, किशमिश है, अच्छा दूध है। अब इन्होंने कहा कि कुछ दिन के बाद वहां नजदीक के गांव से पिता पुत्र एक आ गए, धर्मशाला में रहने लगे। वो जो लड़का था वो 19-20 साल का होगा, वो बिल्कुल दुबला। हमारे इधर इसको बोलते हैं, मैंने जब आदमी बहुत दुबला पतला रहता है तो उसको हमारे इधर कहते हैं ये लकड़ी पहलवान है, ऐसा कहते हैं। तो ये 19-20 साल का लकड़ी पहलवान, और उसको लेकर उसका पिताजी आ गए। दोनों ने धर्मशाला में एक कमरा ले लिया, वहीं निवास किया। और ये पिताजी नवाब साहब के पास गए, कहा कि आपने यह ऐलान किया है कि आपके पहलवान के साथ जो कुश्ती खेलेगा। बोले हाँ। तो बोले मेरा लड़का आपके पहलवान के साथ कुश्ती खेलने वाला है। बोले ठीक है, हम तारीख तय करेंगे। बोले नवाब साहब आप तो बड़े न्यायप्रिय हैं, इंसाफ चाहते हैं, आप इसका इंसाफ दीजिए कि मेरा लड़का है तो अच्छा पहलवान, लेकिन मैं गरीब आदमी हूं, उसको अच्छा खिला पिला नहीं सकता। आप हर दिन अपने आदमी को खिलाते हैं पिलाते हैं, बादाम पिस्ता सब खिलाते हैं, तो ये बराबरी का मुकाबला कैसे होगा? इंसाफ चाहिए, बराबरी का मुकाबला चाहिए। तो ये जरूरी हो जाता है कि 6 महीने तक जितना आप अपने पहलवान को खिलाते हैं उतना हमारे लड़के को खिलाइए, फिर देखेंगे कौन कुश्ती जीतता है। बोले ठीक है, उसके लिए कितना पैसा सैंक्शन करना है? उसने कुछ आंकड़ा बोल दिया, वो पैसा इसको दे दिया। पिताजी घर आ गए, मैंने धर्मशाला में आ गए, और पिता पुत्र दोनों आराम से रहने लगे। अब वो कहां का ना, वो ना दंड बैठक लगाता था ना सूर्य नमस्कार करता था, 10 रोग इसको थे, ऐसा दुबला पतला था, वो कहां से व्यायाम करेगा? लेकिन ये पिता पुत्र दोनों आराम से रहते थे। अब पहले 4 महीने चले गए, 6 महीने का अवधि था, पहले 4 महीने चले गए, तब तक जो पहलवान था उसको कुछ लगा नहीं। 4 महीने के बाद उसके मन में आया कि मैं तो सर्वश्रेष्ठ पंजाब का पहलवान हूं, लेकिन ये दूसरा कौन है, खोज तो करना चाहिए। अपना दुश्मन क्या है, उसकी ताकत क्या है, इसकी कुछ जानकारी तो रखनी चाहिए। तो अपने एक मित्र को गुप्तचर के नाते, खुफिया के नाते खोज करने के लिए भेजा। वो आ गया, धर्मशाला में आया, इसके पिता के साथ उसने मित्रता की। किंतु यह देखकर उसको आश्चर्य हुआ कि ये बड़े पहलवान के साथ कुश्ती लड़ने वाला है, ये लड़का ऐसा लकड़ी पहलवान है, दुबला पतला है, और दुबला पतला है इतना ही नहीं तो अभी भी वो व्यायाम नहीं कर रहा, दंड बैठक नहीं लगा रहा, कुछ नहीं कर रहा, आराम से सोता रहता है, तो ये कैसे कुश्ती खेलेगा, कुश्ती कैसे जीत सकता है? उसके मन में आश्चर्य हुआ। उसने पहलवान को बताया, पहलवान ने कहा यार इसमें कुछ राज है, कुछ रहस्य है, लड़का ऐसा है तो पिता को तो मालूम नहीं है, फिर वो ऐसी गरूरी की बात कैसे कर रहे हैं, क्या इसका रहस्य है जरा पता चलो। तो फिर इसने और अपनी मित्रता गहरी की। अब पिता सब देख रहे थे, वो जानते थे कि यह सब होगा, उसने पहले अंदाजा किया था। 15-20 दिन के बाद फिर इसने जैसे गुप्त जानकारी लेने के लिए होता है कि साहब मोहम्मद नहीं आ रहा, कि ये कैसे जीतेगा? बोले यही जीत कर रहेगा, मैं चाहे जितने रुपए की शर्त लगा सकता हूं। नहीं ठीक है, लेकिन ये तो इतना दुबला पतला मच्छर जैसा लड़का है। बोले क्या मैं नहीं जानता,
किंतु मैं ये शर्त लगाता हूं कि मेरा ही लड़का जीतेगा। ये जब पहलवान को पता चला तो उसको लगा और भी कुछ गहरा रहस्य इसके पीछे होना चाहिए। उसको कहा और जरा इसकी खोज कीजिए, और गहराई में जाकर। तो कुश्ती के 8-10 दिन पहले पिताजी ने जैसे बड़े भोले भाव से उसको कहा भी ऐसा है, तू मेरा मित्र है, किसी को बताना नहीं इसका रहस्य क्या है। बोले ऐसा है, ये मेरा लड़का ये मच्छर के साथ कुश्ती नहीं खेल सकता, तुम्हारे पंजाब के पहलवान के साथ क्या कुश्ती खेलेगा मैं जानता हूं, किंतु यशस्वी यही होगा। इसके यश का रहस्य ये है कि इसके अंदर ताकत नहीं, मैंने कुछ सिद्धि प्राप्त की है, और मैंने यह सिद्धि प्राप्त की है कि कुश्ती के अखाड़े में मेरे लड़के के साथ जो कुश्ती खेलने के लिए आएगा, तो कुश्ती खेलते समय पहले हाथ से हाथ लगाना पड़ता है, तो जो कोई मेरे लड़के के साथ हाथ से हाथ भिड़ाएगा या मेरे लड़के के शरीर को हाथ लगाएगा, किसी भी अंग को हाथ लगाए, जैसे मेरे शरीर के मेरे लड़के के शरीर के हाथ को या उसके किसी भी अवयव को दूसरा आदमी हाथ लगाता है, जैसे हाथ लगाता है वैसे वो बेहोश हो जाएगा। मेरी सिद्धि है, लड़के की कुछ नहीं, लड़का तो मच्छर है, लेकिन मेरे अंदर मैंने ये सिद्धि प्राप्त की है, साधना की है कि मेरे लड़के को जो हाथ लगाएगा, हाथ लगाते ही वो बेहोश हो जाएगा, और बाद में उसका क्या होगा, भगवान उसको बचाए, मैं जिम्मेवार नहीं हूं। अब ये बात पहलवान के पास पहुंच गई। अब वो 1947 के पहले की बात है, उन दिनों में तो और भी अंधविश्वास ज्यादा था। पहलवान को बात जच गई और स्पष्ट था कि मच्छर जैसा लड़का, उसके पिताजी यदि इतनी हिम्मत की बात कर रहे तो होगा, नहीं तो हिम्मत की बात करते कैसे और नवाब से इतना पैसा लेते कैसे। उसके मन में वो बात जज गई। कुश्ती का दिन आया, अब पहले से घोषित किया, अब उस गांव में 5-6 हजार इधर उधर के लोग इकट्ठा होना ये बड़ी संख्या मानी जाती थी, तो 5-6 हजार लोग इकट्ठा हो गए कुश्ती के लिए। बीच में ऐसा मैदान रखा गया, उसकी जरा जमीन खोदकर उसको थोड़ा नरम किया गया और वहां कुश्ती हो गई, घोषित हुआ। नवाब साहब अपनी बड़ी कुर्सी उसके ऊपर बैठ गए और ठीक समय पर घड़ी देखते रहे। ठीक समय पर ये लकड़ी पहलवान ऐसा ऐसा करते हुए मैदान में आ गए। लोग हंसने लगे, कर ये कुश्ती खेलेगा, किंतु ये तो अपने ठाट से ऐसा 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 करते हुए मैदान के बीच में आने लगा, लेकिन हमारे पहलवान साहब का पता नहीं। तो 5 मिनट हो गए, नवाब साहब ने कहा वो अपना पहलवान कहाँ है, उसको घोष के ले आओ। तो लोगों ने कहा साहब वो डर गया है, वो आने के लिए तैयारी नहीं। बोले उसको खींच कर ले आओ। जबरदस्ती से उसको खींच कर लाया, उसको चलना मुश्किल हो गया था, और वो मैदान के पास आने के बाद मैदान में जाने के लिए तैयार नहीं था। फिर नवाब साहब ने कहा कि इसको धक्के लगाकर अखाड़े में डाल दो, वो जो अंदर उसके इसमें डाल दो। लोगों ने धक्का दिया, जैसे धक्का देकर उसको मैदान में डाला, वैसे वो लड़के की तरफ देखता था, एक एक कदम हटता था पीछे, और ये लड़का ये लकड़ी पहलवान बड़े हिम्मत के साथ उसके तरफ आने लगा। तो लोगों ने यह विचित्र दृश्य देखा कि ये लकड़ी पहलवान उसका पीछा कर रहा है, और ये पंजाब का सर्वश्रेष्ठ पहलवान उसके डर के मारे भाग रहा है, चक्कर काट रहा है मैदान का। ये दृश्य लोगों ने देखा। अब किसके शक्ति का मापदंड क्या है, कैसा देखेंगे। था तो पंजाब का सर्वश्रेष्ठ पहलवान, लेकिन मन में जो हिचक आ गई, मर गया रे बाप मनोवृत्ति जो होती है ना, तो मन में जो हिचक आ गई, तो इतना बड़ा पहलवान उसकी ताकत ये लकड़ी पहलवान के सामने बिल्कुल शून्यवत हो गई। तो शक्ति का मापदंड आप कैसा लेंगे। प्रायः ऐसा दिखता है कि विभिन्न समय पर हर एक व्यक्ति
शक्ति के विभिन्न स्तर पर रहता है और कोई भी व्यक्ति अपनी शक्ति चाहे जितनी बढ़ा सकता है और कोई भी व्यक्ति अपनी दुर्बलता चाहे जितनी बढ़ा सकता है, माने अपनी शक्ति भी हम चाहे जितनी बढ़ा सकते हैं, हम अपनी दुर्बलता भी चाहे जितनी बढ़ा सकते हैं। और दुर्बलता बढ़ाने के दो प्रमुख उपाय मनोविज्ञान में आते हैं। एक कि पहले ही मन में हार जाना कि नहीं भाई मैं नहीं जीत सकता, मैं तो मर गया, मैं तो डूब गया, मैं तो खत्म हुआ, माने लड़ाई के मैदान में जाने के पहले ही लड़ाई हार जाना कि इतना बड़ा संकट है, क्या मैं उसका मुकाबला कर सकता हूं। ये जो मर गया रे बाप मनोवृत्ति है, उसके कारण महान बड़े बड़े ऐसे जो लोग होते हैं वो भी अपने को दुर्बल महसूस करते हैं। और दूसरा फिर होता है कि जब एक भ्रांति मन में आ जाती है, और आज के सार्वजनिक जीवन में ये दूसरा फैक्टर भी, ये दूसरी बात भी बहुत काम कर रही है कि जब मन में एक बात आती है, व्यक्ति की शक्ति यानी क्या होता है, सभी तरह की शक्ति है, शारीरिक शक्ति है, मानसिक शक्ति है, बौद्धिक शक्ति है, आत्मिक शक्ति है, आत्मिक बौद्धिक मानसिक शारीरिक सब मिलकर मनुष्य की शक्ति होती है। तो मैंने कहा कि चाहे जितनी बढ़ा सकते, किंतु आज के इस चतुराई के युग में ज्यादातर लोग अपने शक्ति स्वयं घटाना ही पसंद करते हैं। वास्तव में हर एक ने प्रयास करना चाहिए कि अपनी शक्ति हम बढ़ाए, शारीरिक शक्ति बढ़ाए, मानसिक शक्ति बढ़ाए, बौद्धिक शक्ति बढ़ाए, आत्मिक शक्ति बढ़ाए, अपनी शक्ति हम बढ़ाते जाए निरंतर। किंतु चतुराई का ऐसा कुछ गलत अर्थ आजकल सार्वजनिक जीवन में हो गया कि अपने शक्ति को घटाना, और ये ऐसी भ्रांति क्यों पैदा होती है, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों को ऐसा लगता है आज के वायुमंडल में कि भाई कोई भी बड़ा काम सिद्ध करने के लिए अपने बहुत ज्यादा ताकत लगाने की आवश्यकता नहीं, बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं, चालाकी के द्वारा, हथखंडों के द्वारा, तिकड़मबाजी के द्वारा, स्मॉल ट्रिक्स एंड शॉर्टकट, ऐसे नजदीक के रास्ते निकालकर कुछ तिकड़मबाजी करते हुए बड़े से बड़े काम भी हम कर सकते हैं। यहां तक कि कोई बड़ा काम सिद्ध हुआ और वो बड़ा काम सिद्ध करने के लिए लोगों ने यदि बहुत मेहनत की होगी, और ऐसे चतुर व्यक्ति को यदि बताया कि साहब उन्होंने बड़ा काम सिद्ध किया है, बड़ी ताकत लगाई, बहुत मेहनत की है, तो चतुर व्यक्ति हंस देता है, कहता है अरे यार ये मेहनत करने से क्या होता है, मेहनत तो गधे भी करते हैं, मेहनत गधे भी करते हैं। चतुराई तो इसमें है कि मेहनत न करते हुए चालाकी के द्वारा बड़े से बड़ा काम सिद्ध करना, हर चीज के कोई नजदीक के रास्ते शॉर्टकट होते हैं, स्मार्ट ट्रिक्स होती है, हथखंडे होते हैं। तो पहली जो धारणा थी कि अपने आत्म विकास के लिए, अपने मानसिक शारीरिक बौद्धिक विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना, और इसी तरह से जो ध्येय हमने सामने रखा होगा उसको सिद्ध करने के लिए निरंतर पूरी ताकत लगाकर काम करते रहना, अब उसको चतुराई नहीं माना जाता, बुद्धूपन माना जाता है आज के सार्वजनिक जीवन में। ये अपवादात्मक है, हमेशा ऐसा नहीं था, लेकिन तो आज है व्यवहार चतुराई लोगों के मन में बहुत आ गई। और यदि आप कहेंगे कि हम बहुत परिश्रम, निरंतर परिश्रम करते जाएंगे, हमारा आत्मविकास होगा, कार्य भी सिद्ध होगा, तो लोग कहते हैं ये गधा है। अब मुझे स्मरण है कि हमारे हावड़ा के और बंगाल के प्रांत संचालक मास्टर मोशाय केशव बाबू ये हम लोगों को बताते थे कि स्वयंसेवक कहिए, कार्यकर्ता कहिए, उसने गधे से तीन बातें सीखनी चाहिए, ऐसा वो बताते थे। उन्होंने शास्त्र में से कोई एक श्लोक भी निकाला था, श्लोक था कि अविश्रांतम वहेत भारम, शीतोष्णम नच विंदति, ससंतोषस्तथा नित्यम,
त्रीणि शिक्षेत गर्दभात् अविश्रांतम महत भारम। गधा अविश्रांत न थकते हुए लगातार बोझ का वहन करते जाता है, तो लगातार काम करते जाना। शीतोष्णम न च विन्नति, गर्मी रहे जाड़ा रहे, टेम्परेचर कितना है यह न देखते हुए या ठंडक कितनी है न देखते हुए काम करते रहना, और सभी अवस्था में ससंतोष तथा नित्यम, हमेशा संतुष्ट रहना। त्रीणि शिक्षेत गर्दभात्, ये तीन बातें गधे से हर कार्यकर्ता ने सीखनी चाहिए, ऐसा हमारे केशव बाबू कहते थे। किंतु ये गधे के जैसे काम करना चतुर लोगों को पसंद नहीं, वो सोचते हैं। हालांकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि चालाकी के द्वारा कोई महान कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, किंतु आजकल ये वायुमंडल हो गया कि चालाकी के द्वारा सब होता है, काय के लिए मेहनत करना। अब जब चालाकी के तरफ आदमी जाता है, शॉर्टकट के तरफ, नजदीक का रास्ता ढूंढना जब शुरू करता है, तो फिर स्वाभाविक रूप से मेहनत बंद हो जाती है, परिश्रम बंद होता है, और फिर अपना जो आत्मविकास है, सर्वांगीण आत्मविकास अपना होता नहीं, अपने शक्ति का स्तर बढ़ता नहीं। इसलिए मैंने कहा कि चतुराई के कारण अपने शक्ति को बढ़ने से रोकना, ये आधुनिक वायुमंडल की विशेषता है, इसके कारण भी दुर्बलता बढ़ती जाती है। किंतु हम यदि ध्येयवादी हैं, निरंतर काम करने वाले हैं, इस भ्रांति में नहीं है कि हथकंडे, तिकड़मबाजी, चतुराई, कोई शॉर्टकट, नजदीक का रास्ता नहीं, पूरी ताकत लगाकर काम करते जाएंगे तो ध्येय भी सिद्ध होता है, हमारा भी आत्मविकास होता है। तो ये दो बातें यदि हम ध्यान में रखते हैं, पहली बात कि अपने शक्ति के विषय में संदेह न रखना, हम चाहे जितनी अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं, यह आत्मविश्वास मन में रखना, और वो सत्य भी है। और दूसरा कि यह जो आसान रास्ते हैं, नजदीक के रास्ते, चालाकी के, चतुराई के, वो हम नहीं लेंगे, मेहनत करेंगे, निरंतर मेहनत करेंगे, और निरंतर मेहनत के कारण एक ओर हमारा आत्मविकास होगा, दूसरी ओर हमारा ध्येय सिद्ध होगा। दो बातें यदि हम ख्याल में रखते हैं तो हम में से हर एक व्यक्ति अपने शक्ति का स्तर ऊंचा कर सकता है। तो इसलिए जब हमारे कुछ स्वयंसेवक कहते हैं कि हर एक स्वयंसेवक के शक्ति का मापदंड क्या है देख लीजिए, और वो शक्ति हर एक स्वयंसेवक की नापने के बाद सभी स्वयंसेवकों के शक्तियों का जोड़ यानी संघ की शक्ति जब कहते हैं, तो हमारे सामने सवाल आता है कि भई ऐसे करना कैसे, क्योंकि हर स्वयंसेवक की शक्ति तो कम अधिक होती रहती है, स्तर बदलते रहता है, वो चाहे जितना बलवान हो सकता है, चाहे जितना दुर्बल हो सकता है, ये भी बड़ा कठिन काम है। अब जो बात व्यक्ति के बारे में है, वही बात समाज के भी बारे में। अब समाज की शक्ति है, कैसे आप गिनती करेंगे? हम इतिहास में उदाहरण देखते हैं कि छोटा सा राष्ट्र है और बाहर से बहुसंख्य लोगों का उसके ऊपर हमला होते हुए भी हिम्मत के साथ वह लड़ रहा है और विजय प्राप्त कर रहा है। दूसरा भी होता है कि बड़ा साम्राज्य है, टूट जाता है। जो बात व्यक्ति के बारे में, वही बात समूह के, समाज के, राष्ट्र के बारे में भी हम देखते हैं। अब छत्रपति शिवाजी का हम उदाहरण लेते हैं। शिवाजी ने हिंद विश्व स्वराज्य की स्थापना का विचार किया, उस समय उसके पास क्या था? इतनी भी भूमि नहीं थी, एक इंच तक भूमि नहीं थी जिसको वो अपने हिंद विश्व स्वराज्य की भूमि कह सके। पैसा नहीं था, खजाना नहीं था, सेना नहीं थी, सेनापति नहीं थे, कुछ नहीं था। आज सुबह जैसे परम पूजी ने सरसंग चालक जी ने कहा कि रावण रथी विरथ रघुवीरा, इसी अवस्था में छत्रपति शिवाजी थे। और किसके साथ मुकाबला था? दक्षिण के पांच बादशाहिया और उत्तर में मुगल का साम्राज्य, इतने बड़े सत्ताओं के साथ मुकाबला, इनके पास कुछ नहीं। किंतु सामूहिक थोड़े लोगों की
लेकिन सामूहिक इच्छा शक्ति के भरोसे कि हम ये काम करके रहेंगे। कितने संकट आए सब इतिहास लोग जानते हैं। होते होते हिंदवी स्वराज्य की स्थापना हुई, साम्राज्य की स्थापना हुई, केवल स्वराज्य की नहीं साम्राज्य की स्थापना हुई, शून्य में से सृष्टि का निर्माण हुआ। इतिहासकार लिखते हैं कि अटक से कटक तक हिंदुओं के विजयी अश्व विजयी घोड़े और दौड़ने लगे, बड़े बड़े खजाने उनके पास आ गए, बड़ी बड़ी सेनाएं, बड़े सेनापति, ख्यातनाम सेनापति, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक उनके विजयी घोड़े भ्रमण कर रहे हैं। इस अवस्था में साम्राज्य टूट गया। माने जब रावण रथी बीरथ रघुवीरा अवस्था थी, शून्य में से सृष्टि का निर्माण हुआ, और जब इतना बड़ा साम्राज्य स्थापन हुआ, सारी साधन सामग्री उनके पास थी, साम्राज्य टूट गया। पंजाब का इतिहास हम देखते हैं, कितना बलिदान हुआ, हमारे पूजनीय गुरुओं का कितना बलिदान हुआ। इसके कारण लोगों में एक आवेश भी आया, द्वेष भी आया, बात ठीक है, लगातार बलिदान का ही इतिहास है। होते होते लोगों में जोश आया, संगठन हुआ, वो लोग काम करने लगे। गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में एक लड़ाकू संगठन खड़ा हुआ, पंची प्यारा का चयन हुआ, गुरु गोविंद सिंह जी ने किया, वो प्रसिद्ध इतिहास है। जिस दिन पंची प्यारा का चयन हुआ, उस दिन से लेकर बढ़ते बढ़ते जब साम्राज्य की स्थापना हुई और हमारे हिंदुओं के घोड़े अफगानिस्तान में घुस गए, 139 साल का यह बीच में का अवधि है। साधना कितनी लंबी देर तक करनी पड़ी, 139 साल तक लगातार साधना करनी पड़ी। तो एक अवस्था थी कि अपने गुरुओं की जान बचाने की शक्ति हमारे अंदर नहीं थी। महाराजा रणजीत सिंह जी के समय यह अवस्था आ गई कि इधर अंग्रेज भी हमें डरते थे और उधर अफगानिस्तान में हमारी सेनाएं दौड़ कर रही थी। इतना बड़ा साम्राज्य स्थापन हुआ, शून्य में से फिर से यहां भी सृष्टि का निर्माण हुआ, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह के मृत्यु के बाद 10-11 साल के अंदर अंदर साम्राज्य टूट गया। माने जब कुछ नहीं था उसमें से साम्राज्य का निर्माण हुआ, और जब साम्राज्य था वह टूट गया। कारण क्या होगा, तो इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। उसका कारण एक ही था कि शिवाजी के समय सब लोगों के मन में एक ध्येयवाद था, कट्टर ध्येयवाद था, मैं मेरा अहम स्वार्थ कोई बात नहीं थी। केवल उदाहरण के लिए बताना कि तानाजी मालुसर के लड़के की शादी थी, उसी समय छत्रपति का संदेश आया, शिवाजी का संदेश आया कि तुरंत इधर चले आओ, तेरे लिए कुछ काम रखा है, तू यदि भोजन करता होगा तो हाथ धोने के लिए मेरे पास आओ, इतना अर्जेंट संदेश आ गया। जब वो संदेशा लेकर लोग आए, उस समय तानाजी मालुसरे का लड़का विवाह के वेदी पर खड़ा हुआ था, ब्राह्मण लोगों ने अंतरपाट रखा था लड़का और लड़की के बीच में, अब वो मंगलाष्टक शुरू करने वाले थे। इस अवस्थी में ये घुड़सवार शिवाजी के आ गए। तानाजी ने पूछा क्या है, वो घुड़सवार आ गए, उन्होंने मैसेज दिया कि हाथ यदि वो तुम वहां भोजन करते होगे हाथ धोने के लिए आ जाओ। अब उस अवस्था में चतुर पुरुष होता तो बोलता, अरे भाई 5-10 मिनट में मंगलाष्टक कर लो, शादी पूरी कर लो, फिर मैं जाता हूं। लेकिन वो चतुर नहीं था तानाजी, उसने कहा कि हाथ धोने के लिए मेरे पास आ जाओ तुरंत, जैसा संदेशा तुम सुनते हो तुरंत आ जाओ। तो वहां लड़का लड़की खड़े हैं, बीच में अंतरपाट पकड़कर ब्राह्मण है, अब केवल मंगलाष्टक होने की देर है। उसने कहा नहीं, तुरंत हम लोगों को वहां जाना है। शादी वहीं रह गई, स्थगित हो गई। सब लोग तलवार निकालकर और तानाजी के नेतृत्व में आगे बढ़े, पर बाद में वह सिंहगढ़ की लड़ाई हुई जिसमें तानाजी की मृत्यु हुई। ऐसे पागल लोग जब रहते हैं, ध्येयवादी आदमी पागल ही होता है, चतुर पुरुष अवसरवादी होता है, ऐसे ध्येयवादी लोग शिवाजी के पास थे। शिवाजी एक समय कुतुब शाह के आतिथ्य का स्वीकार कर रहे थे, उनको दक्षिण में जाना था,
दक्षिण दिग्विजय करने के लिए रास्ता कुतुब शाह के राज्य में से जाता था। तो कुतुब शाह ने कहा, आइए मैं आपका स्वागत करता हूं। तो कुतुब शाह ने उनका स्वागत किया। बड़े मैदान पर शिवाजी की सेना वगैरह थी। कुतुब शाह ने उनके खाने पीने की व्यवस्था की। थोड़े दिन तक वो मेहमान का काम हुआ। अब कुतुब शाह ने भी अपने गुप्तचर रखे थे। उन्होंने कहा कि ये इतना बड़ा शिवाजी कहते हैं। उन दिनों में चतुरंग दल की कल्पना थी, लेकिन चतुरंग दल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हाथी, इसके सेना में एक भी हाथी नहीं। कुतुब शाह को ये पता चल गया। तो जानबूझकर परीक्षा लेने के लिए कुतुब शाह ने कहा कि अब वो सात आठ दिन इकट्ठा थे तो कुछ खेल चलते थे आपस में, खाना पीना मौज करना खेल वगैरह। तो एक खेल ऐसा करेंगे कि आपका सबसे श्रेष्ठ हाथी और हमारा सबसे श्रेष्ठ हाथी, इसकी लड़ाई हो जाए। बोले ठीक है। अब जब शिवाजी ने कहा ठीक है, कुतुब शाह को लगा ये ठीक है कहता है, इसके पास तो एक भी हाथी नहीं। फिर से वही बात, कल होगी यह लड़ाई। वो उनका कुश्ती का जैसा होता है उससे बहुत बड़ा मैदान हाथी की इसका होता है। तो सेना के लोग सारे ऐसे मैदान के चारों ओर आए गए। अब उधर से एक कुतुब शाह का मदोन्मत्त हाथी, जिसको शराब वगैरह पिलाई थी, वैसे भी हाथी बड़ा ही था, उसके मुंह में पट्टा था। पट्टा माने दोनों तरफ जिसके ये रहते हैं, धार रहती है। तो वो पट्टा घुमाते घुमाते उधर से वो हाथी आया। अब कुतुब शाह के लोग देख रहे हैं कि ये शिवाजी का हाथी कौन सा आता है। तो एक छोटे कद का आदमी, येसाजी कंक ऐसा जिसका नाम था, ये येसाजी कंक, छोटे कद का आदमी दोनों हाथ में तलवारें लेकर उधर से मैदान में आए। वो ऐसा छोटे कद का था, और ये हाथी और दोनों की क्या कुश्ती हो सकती है, दोनों की क्या लड़ाई हो सकती है। सब लोग उसके प्रति बड़ी सहानुभूति दिखाने लगे कि अरे ये तो मर गया, अब ये जिंदा नहीं रहता। लेकिन जैसे हाथी गुस्से के साथ इसके ऊपर हमला करने के लिए आया, वो कुशलता के साथ, चपलाई चपलता के साथ एकदम उसके पीछे आ गया। उसकी पूछ पकड़कर उसके पीठ पर बैठ गया और उसने अपनी तलवार उसके गंड स्थल पर रख दी। जैसे गंड स्थल पर तलवार रखी तो ची 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 करते हुए वो हाथी नीचे आया। गंड स्थल पर यदि तलवार अंकुश लगाते हैं, हाथी ची ची करते हुए बैठ जाता है। सब लोगों ने तालियां बजाई। कुतुब शाह ने कहा, साहब आप हाथी की बात कर रहे थे, कहा है आपका हाथी? शिवाजी ने कहा, मेरे पास हाथी नहीं है, मेरे कार्यकर्ता ही मेरे हाथी, बाकी हाथी चतुरंग दल मेरे पास नहीं है। अब ये जो इच्छा शक्ति शिवाजी के समय थी, ये इच्छा शक्ति समाप्त तो हुई। राज्य आ गया, साधन सामग्री आ गई, ऐश आराम के साधन उपलब्ध हुए। ऐश आराम के बारे में मुगलों के साथ स्पर्धा करने की प्रवृत्ति निर्माण हुई। सामंतवादी नेतृत्व निर्माण हुआ। कौन ये बड़ा, फिर उससे नीचे ये, उसके नीचे ये, सारी सामंतवादी प्रवृत्ति निर्माण हुई। शिवशाही समाप्त हुई, पेशवाई आ गई। अपना बड़प्पन, अपना ऐश, इधर लोगों की प्रवृत्ति हो गई। ध्येयवाद समाप्त हुआ, साम्राज्य समाप्त हुआ। तो हर जगह आप देखेंगे कि रोमन साम्राज्य, छोटा सा गांव, सारे यूरोप में साम्राज्य फैला था उस समय के ज्ञात यूरोप में। और बड़ा ये साम्राज्य, बार्बेरियन लोग, जंगली लोगों ने उस साम्राज्य को तोड़ दिया। वो बढ़ा कैसे, नीचे कैसे गया साम्राज्य? जिस समय ध्येयवाद था, डिटरमिंड माइनॉरिटी जिसको कहा जाए, निश्चय किए हुए थोड़े लोग, उन्होंने साम्राज्य निर्माण किया। और जब यह ध्येयवाद चला गया, इसके कारण निश्चय चला गया, ऐश की प्रवृत्ति आ गई, सामंतवादी प्रवृत्ति आ गई, व्यक्तिवाद आ गया, अवसरवाद आ गया, साम्राज्य टूट गया। तो केवल साधन सामग्री कितनी है इसके आधार पर नहीं कहा जा सकता कि किसी समूह की, समाज की, राष्ट्र की या राज्य की शक्ति कितनी है। तो उसके अंदर जो लोग है, लोगों की जो इच्छा शक्ति है, लोगों का ध्येयवाद है, इस ध्येयवाद के आधार पर नापा जा सकता है कि शक्ति कितनी है।
कुछ वर्ष पूर्व आपने सुना होगा कि इज़राइल को खत्म करने का विचार अरब राष्ट्रों का बहुत पहले से थी। इज़राइल निर्माण हुआ तभी से अरब लोगों ने सोचा था कि हम इसको खत्म करेंगे। तो एक कंप्यूटर पर ज्यादा विश्वास रखने वाले आदमी ने कंप्यूटर को फीड किया तो उसमें उन्होंने दिया कि इज़राइल की जनसंख्या क्या है, उसके विरोध में जाने वाले सब अरब देशों की मिलकर जनसंख्या क्या है, इज़राइल के सेना की संख्या क्या है, अरब देशों के सेना की संख्या क्या है, इज़राइल के शस्त्रास्त्र कितने हैं, अरब देशों के शस्त्रास्त्र कितने हैं, इनका खजाना इज़राइल का कितना है, अरब देशों का खजाना कितना है, सारी इंफॉर्मेशन दी और कंप्यूटर से उत्तर मांग लिया कि इज़राइल कितने दिन तक जिंदा रहेगा या खत्म होगा। अब जो इंफॉर्मेशन दी थी उसके आधार पर उन्होंने कुछ उत्तर दिया कि इतने इतने दशकों में इज़राइल समाप्त हो जाएगा। अब जो जानकारी दी गई थी वो तो सारी सत्य थी, इधर की जनसंख्या, उधर की जनसंख्या, इधर के शस्त्रास्त्र, उधर के शस्त्रास्त्र, इधर का पैसा, उधर का पैसा, जानकारी के आधार पर कंप्यूटर ने कहा कि इतने दशकों में इज़राइल खत्म हो जाएगा। दूसरे दिन कुछ प्रेस करेस्पॉन्डेंट्स ने इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर को घेर लिया और उन्होंने कहा कि आपने अखबार में पढ़ा है? बोले मैंने पढ़ा है। बोले आपके मन में तो बड़ी चिंता उत्पन्न हुई होगी। बोले मेरे मन में चिंता उत्पन्न नहीं हुई। बोले आपके मन में चिंता नहीं, इन्होंने तो हिसाब करके बताया है कि आप इतने दशक में आपका राष्ट्र समाप्त होगा। उस समय इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आपके कंप्यूटर ने बताया होगा, लेकिन इस दुनिया में ऐसा कौन सा कंप्यूटर है मुझे बताओ कि जो इसकी तुलना करेगा, जनसंख्या की तुलना, शस्त्रों की तुलना, सेना की तुलना, पैसों की तुलना करने वाले कंप्यूटर है, लेकिन इसकी तुलना करने वाले कंप्यूटर कितने हैं कि इज़राइल के राष्ट्र की इच्छा शक्ति और सब अरब देशों की मिलकर लोगों की इच्छा शक्ति, तो इज़राइल की इच्छा शक्ति और अरब देशों की इच्छा शक्ति दोनों की तुलना करने वाला कंप्यूटर कौन सा है यह बताइए। और जब तक हमारी इच्छा शक्ति का नाप, इच्छा शक्ति को नापने वाला कंप्यूटर दुनिया में नहीं है, हम सारी बातों की फिक्र नहीं करते। हम निश्चय किए हुए हैं कि सबको खत्म करेंगे, हम खत्म होने वाले नहीं। तो ये इच्छा शक्ति का सवाल है। इच्छा शक्ति ध्येयवाद के ऊपर अवलंबित है। अपने व्यक्ति को भूल जाना, अहंकार को भूल जाना, स्वार्थ को भूल जाना, महान ध्येय में आत्मसमर्पित, ध्येय सागर में आत्मसमर्पित, ऐसे लोग जहां निर्माण होते हैं वहां प्रचंड शक्ति का निर्माण होता है और जहां हर एक आदमी अपने को बुद्धिमान समझता है। अपने यहां ऐसा कहा गया कि सर्वे यत्र प्रणेतारः सर्वे पंडितमानिनः सर्वे महत्वम इच्छन्ति राष्ट्रकम् तद् विनश्यति। सर्वे यत्र प्रणेतारः, जब सारे नेता ही नेता है, सब अपने को नेता मानते हैं, सर्वे पंडित मानिना, जब सब अपने को पंडित ही मानते हैं, सर्वे महत्वम इच्छन्ति, जब सब लोग अपना ही महत्व बढ़ाना चाहते, राष्ट्रकम् तद् विनश्यति, वह राष्ट्र नष्ट होता है। तो राष्ट्र को दुर्बल और नष्ट करने का रास्ता भी है और राष्ट्र को बलवान करने का रास्ता भी है, इतिहास हमें बताता है। और केवल बाकी बातों के आधार पर नहीं, तो ध्येयवाद, ध्येयवाद के कारण अदम्य इच्छा शक्ति, कोई हमें समाप्त नहीं कर सकता। सालों तक लोग लड़ते रहे, सालों तक, जैसे मैंने सिख इतिहास के बारे में कहा कि इतने साल के बाद साम्राज्य की स्थापना हुई। छत्रपति शिवाजी ने जब प्रतिज्ञा की हिंद विश्व राज्य की, उसके बाद अटक पर जो भगवत ध्वज लहराने लगा, 114 साल तक लगातार काम करना पड़ा, साधना करनी पड़ी, लगातार निरंतर साधना चलती है। तो ध्येयवादी लोगों की विशेषता रहती है क्रियाशील प्रतीक्षा, प्रतीक्षामय क्रियाशीलता, क्रियाशील प्रतीक्षा, काम करते रहना, करते रहना, राह देखना, क्रियाशील प्रतीक्षा, प्रतीक्षा में क्रियाशीलता, रहा देखना, रहा देखना, हाथ पर हाथ रखकर नहीं तो काम करते करते रहा देखना, क्रियाशील प्रतीक्षा, प्रतीक्षा में क्रियाशीलता ध्येयवादी लोगों की विशेषता होती है। ये विशेषता जिनके अंदर है उनको नीचे लाना किसी के लिए संभव नहीं होता।
तो हमारी सामूहिक शक्ति, सामाजिक शक्ति, राष्ट्रीय शक्ति, यह बाहर के किसी तत्व पर अवलंबित नहीं है। तो हमारी इच्छा शक्ति कितनी है ध्येयवाद के कारण, हमारी इच्छा शक्ति कितनी दुर्दम्य है इस पर अवलंबित होता है। यही इच्छा शक्ति हम में से हर एक स्वयं सेवक अपने ध्येयवाद के कारण, अपने प्रचंड क्रियाशीलता के कारण, निरंतर काम करने की अपनी क्षमता के कारण, और इस तरह क्रियाशील प्रतीक्षा, प्रतीक्षामय क्रियाशीलता, अखंड निरंतर चलाने के निश्चय के कारण हम चाहे जितनी अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं। बाहर कितने विरोध है इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अपनी शक्ति, हम में से खुद अपनी शक्ति बढ़ाए, इतना ही समय कहना पर्याप्त है।